हेलो फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, ग्रामीण प्रवेश की क्लास है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्व प्राधिकारी एवं उनके अधिकार क्षेत्र। राजस्व प्राधिकारी एवं उनके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, ये राजस्व अधिकारी, तो उनके बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भू राजस्व, देखो मैंने कल बताया था कि जो मालगुजारी वर्ड है उसे भू राजस्व कहेंगे, ठीक है ना। भू राजस्व प्रशासन जिन दो प्राधिकारियों के हाथों में दिया जाता है वह होता है, नंबर एक राजस्व न्यायालय और दूसरा होता है राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू कोर्ट्स और रेवेन्यू ऑफिसर। तो आज हमारा टॉपिक इसी को लेके है, तो आज देखेंगे। अगला है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, ये धारा बनती है, इसलिए इसको याद रखना कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार राजस्व न्यायालय के अंतर्गत निम्न प्राधिकारी शामिल किए गए हैं। ये पेपर में इस तरह पूछा जाता है कि भू राजस्व अधिनियम धारा 4(23) किससे संबंधित है, जैसे लेखपाल से। भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(8) किससे संबंधित, तो राजस्व न्यायालय के प्राधिकारियों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें ये भी धाराएँ देखनी है। तो इसमें कौन कौन से प्राधिकारी संबंधित हैं, तो कल देखे थे, तो कल हमने हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद में हमने देखा था एक अध्यक्ष होता है, एक दो न्यायिक, 7 न्यायिक और 2 प्रशासनिक होते हैं, उनके मुख्यालय देखे, उनके कार्य देखे, ठीक है ना। इसी तरह आज का जो है, आज में देखना है कि राजस्व न्यायालय में कौन कौन है। तो नंबर एक आता है राजस्व परिषद या उसके कोई सदस्य। तो यहाँ पर देखो राजस्व परिषद आती है, तो राजस्व परिषद किसका हिस्सा हुई, पूरा राजस्व परिषद की जो पूरे 10 मेंबर हमने कल बताए थे, पूरे 10 को 10 मेंबर हम कह सकते हैं राजस्व न्यायालय में रखे जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्व न्यायालय में लेखपाल आएगा, तो आप बिल्कुल कहोगे सर यस, क्योंकि राजस्व परिषद के अंदर लेखपाल आता है, तो राजस्व न्यायालय में भी वो आएगा। दूसरा है कमिश्नर, तीसरा है अतिरिक्त कमिश्नर, चौथा है कलेक्टर और 5वें नंबर पर आते हैं अतिरिक्त कलेक्टर, 6ठवें पे आते हैं सहायक कलेक्टर, 7वें पे आते हैं बंदोबस्त अधिकारी, 8वें पे आते हैं सहायक बंदोबस्त अधिकारी और 9वें पे आते हैं अभिलेख अधिकारी। ये सब किस में आते हैं, तो आप कहेंगे सर ये आते हैं राजस्व न्यायालय के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये हमें पद आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से पद किसके अंदर आते हैं। हमने कहा ना आपसे कि 2 या 3 बार आपको वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए आगे, 2 लोग और रह गए हैं, तो वो PDF के बाद इसमें आते हैं। 10वें नंबर पे आता है सहायक अभिलेख अधिकारी और 11वें पे आते हैं तहसीलदार, क्लियर। ये मुख्य अधिकारी हैं जो आपके राजस्व न्यायालय में आते हैं। तो सर तहसीलदार के नीचे नायब और निरीक्षक और लेखपाल ये सब आ जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मुख्य अधिकारियों के बारे में बात की है। अब बात आती है सर राजस्व अधिकारी क्या होता है। ये तो हमने सर राजस्व न्यायालय में देखा, तो राजस्व न्यायालय में इतने अधिकारी आते हैं, तो राजस्व अधिकारी क्या है, इसका सर ऐसे अधिकारी से है जो उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत, भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत मालगुजारी के कार्य के लिए, मालगुजारी के कार्य के लिए या राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त किया जाता है। याद रखना ये पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालगुजारी या राजस्व अभिलेख तैयार कौन करता है, तो आंसर हो जाता है सर राजस्व अधिकारी तैयार करते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्व परिषद और उसके सदस्यों को छोड़कर, राजस्व परिषद और उसके सदस्यों को छोड़कर सभी अधिकारी राजस्व अधिकारी होते हैं, है ना। इसमें सुपरवाइज़र, कानूनगो और लेखपाल भी शामिल होते हैं, है ना। ये चीज़ हम लोग भी ऊपर देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन। यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनेंगे आज इस चैप्टर से, तो यहीं से बनने के चांस है, क्योंकि ये पॉइंट हर स्टूडेंट्स नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन। तो भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया, ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो आप कहेंगे सर 75 ज़िले हैं। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। जिला प्रशासन का मतलब जिले का जो मुख्य कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। सर हमने तो कहीं कहीं DM सुना है, तो बस वही है जो DM बोलते हैं ना, उसे हम जिला कलेक्टर बोलेंगे। तो कलेक्टर कहाँ बोलती है, मजिस्ट्रेट कहाँ बोलते हैं, वो हम लोग आगे देख रहे हैं ना। जो या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा, है ना, या राज्य सिविल सेवा का पदोन्नति अधिकारी होगा, मतलब या तो वो IAS होगा, है ना, या PCS होगा, और वो PCS कौन सा होगा, जो पदोन्नत हो गए, उनका प्रमोशन हुआ होगा, वो इस पद पे नियुक्त किए जाते हैं। कौन, क्वेश्चन आएगा कि जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो आंसर होगा जिला कलेक्टर। आगे आते हैं, जिले को प्रमुख उपमंडलों में बांटा जाता है, ये तो सभी जानते हो, सब डिवीजनल में बांटा गया है, तहसीलों में बांटा जाता है। तो
विभाजित किया जाता है, जिसका प्रशासनिक कौन होता है, प्रधान। जो प्रशासनिक प्रधान है वो उप संभागीय अधिकारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ज़िले में बात की जाए, अगर ज़िले में बात की जाए तो ज़िले का होता है DM, और ज़िले को कई तहसीलों में बांट दिया जाता है, कहीं दो कहीं पाँच, हमारे यहाँ पाँच लगती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पाँचों में कौन हो गए, सर सब में SDM मुख्य होगा। ये रिपोर्ट पेश करेंगे किसको, SDM को। ये चीज़ है। तो कह सकते हैं अगर पूछा जाए कि बताइए कि आपको उपमंडलों का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वहाँ पे DM नहीं लगाएंगे, वहाँ पे SDM लगाएंगे। क्लियर। उपमंडलों को अनेक तहसीलों या तालुकों में बांटा गया है। क्लियर, ये तो सभी को पता है। अगर पूछा जाए उपमंडल के नीचे कौन होते हैं, तहसील, या तहसीलें मिलकर क्या बनाती हैं, उपमंडल। तहसीलों, तहसील या तालुकों का प्रशासन तहसीलदार नामक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी लग रहा होगा सर SDM बताया आपने यहाँ पे ऊपर, तो दोनों में लाइन पढ़िए, दोनों लाइनें अलग अलग बताती हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी है और वो कैसा हो जाएगा, न्यायिक अधिकारियों में चला जाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा और रहेगा, उसको हम और आगे देख रहे हैं। अगला है तहसील या तालुकों का विभाजन गाँव में किया जाता है। ये तो सिंपल सा है, ठीक है, उस तहसील से छोटी हो जाएंगे गाँव, ठीक है। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है। देखो हर चीज़ के अलग है, वो जिला स्तर पर है और ये किस पे है, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासन अधिकारी कौन है, तहसीलदार। अब बात आती है, जब भी देखो राजस्व वर्ड लगा होगा वहाँ हमें कलेक्टर वाला वर्ड यूज करना है, कलेक्टर। जहाँ पे राजस्व ना लगा हो, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होगा, वहाँ पे हमें मजिस्ट्रेट मतलब DM के बारे में बात करना है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तहसीलदार, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारा थीम भी है तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है, जो कहाँ से लिया, किस भाषा से लिया गया, अरबी भाषा से। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखेंगे कि तहसीलदार शब्द किस भाषा से लिया गया, अरबी भाषा से, और ये मुगल काल का शब्द है। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ है राजस्व सृजन करना, राजस्व सृजन या संग्रह, और दार का अर्थ है पद का धारक, मतलब दोनों का संयुक्त अर्थ हुआ कर संग्राहक, जो कर को लेता है या कर वसूलता है, इस तरह से। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ है, ये पूरा हमने जैसे कल हर चैप्टर में कई एक संरचना लेके आते हैं, जिससे आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाए कि जिला स्तर पर कौन होता है, जिलाधिकारी होता है, अनुभाग स्तर पर क्या होता है, SDO होता है या SDM होता है। क्लियर, आगे होता है तहसील स्तर पर कौन होता है अधिकारी, सर तहसीलदार होता है। राजस्व वृत्त स्तर पर कौन होता है, राजस्व निरीक्षक या कानून को होता है। और हल्का मतलब गांव स्तर पर कौन होता है अधिकारी, पटवारी, जो हल्का होता है ना उस पर कौन होता है, लेखपाल या पटवारी। कहीं कहीं पटवारी बोला जाता है हरियाणा क्षेत्र तरफ, और कहीं कहीं लेखपाल। तो इस इंडेक्स को अगर याद कर लेंगे तो आपको ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित, ये थोड़ा PDF नीचे हो रही, ठीक है। तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। क्लियर, तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा या खतौनी का निरीक्षक भी करता है। देखो ये चीज़ याद रखना, भू अभिलेख निरीक्षक होता है कौन, कानूनगो, भू अभिलेख निरीक्षक। अब बात कहाँ से आती है, देखो ये हमारे पॉइंट से समझो एक नंबर आपका यहीं से है। इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो, किस तरह कि जो खसरा खतौनी है ये कौन तैयार करता है, ये हमारे लेखपाल जी करते हैं, मतलब आप स्वयं करेंगे ये चीज़, ठीक है ना। अब इसको निरीक्षा करने का काम मैंने कल बताया था कि लेखपाल से ऊपर होता है कौन, कानून को। तो यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है वो, कि जो पूछ लिया इस तरह से बना दिया उस क्वेश्चन को कि बताइए कानून को या राजस्व निरीक्षक खसरा खतौनी का निरीक्षक होता है। बिल्कुल, तो अगर ऐसे भी तो बन सकता है खसरा खतौनी का निरीक्षक कौन करता है, तो आप कहेंगे सर कौन, कानून को या राजस्व निरीक्षक। बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। क्या है, यह लेखपाल या पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षक होता है। जो लेखपाल और पटवारी का कार्य होता है ना, उसका जो देख रेख है वो कौन करता है, ऊपर कानून को करता है। तो पर्यवेक्षक का कार्य कौन करता है, पटवारी। अब एक चीज़ और आती है, ये आपसे कुछ इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि बताइए लेखपाल या पटवारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले भूमि के खसरा एवं खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है। तो इस चीज़ को तो सबसे सरल भाषा में कहें तो अगर ये पॉइंट अगर आपको दो तीन पता नहीं है तो फिर आप लेखपाल की तैयारी करना छोड़ दो। अब पूछे कि आप बताइए आप पटवारी हैं तो आपका काम क्या है, तो आप कहेंगे सर खतरा खतौनी तैयार करना है ना, भू राजस्व संबंधित और भी नियम है, तो जो हम लोग अभी पढ़ेंगे लेखपाल का कार्य, वो तो एक टॉपिक ही लेके आएंगे ओनली, जिसमें लेखपाल के ही बारे में डिस्कस करेंगे और किसी में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से सिर्फ तीन नंबर बनने होते हैं।
जिससे कि हमें लेखपाल के कार्य भी पता हो, लेखपाल क्या होता है और हम अपनी रिपोर्ट किसे पेश करेंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपकी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी होगी, आपको नॉलेज भी दी जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अभी से सारी नॉलेज हो तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। जो कन्फ्यूजन होता है कि सर लेखपाल से हम अपनी रिपोर्ट निरीक्षक को देंगे, निरीक्षक किससे देगा, और सर कलेक्टर कौन होते हैं, मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, DM कौन होते हैं, SDM कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बस धीमे धीमे पढ़ते चले जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया कि लेखपाल का काम क्या है, तो कहेंगे सर जो भूमि के जो खसरा एवं खतौनी होते हैं उनके लेख को तैयार करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आती है, हमने सारे देखे क्या राजस्व अधिकारियों के बारे में वर्णन था, अब आती है सर राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय के बारे में देखना है। पेन बदल लेते हैं थोड़ा। राजस्व न्यायालय के बारे में, राजस्व न्यायालय क्या होता है, ठीक है। तो राजस्व न्यायालय प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं, 2333 राजस्व न्यायालय हैं। कितने, 2333 न्यायालय हैं, याद रखना इस चीज़ को। विकल्प बन सकता है कि बताइए वर्तमान में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं, तो आंसर होगा 2333। इसमें नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित होते हैं, ठीक। जितने भी तहसीलों में नायब तहसीलदारों के जो न्यायालय बने होते हैं ना, सारे मिला के होते हैं। तो राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय, राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय है, तथा राजस्व परिषद का न्यायालय सर्वोच्च है। और ये लाइन मैंने कल डिस्कस की थी, क्लियर, ये लाइन मैंने कल डिस्कस की थी। आगे बढ़ते हैं, याद रखना सबसे उच्च कौन होता है, राजस्व न्यायालय, और सबसे नीचे कौन है, तो आप कहेंगे सर जो नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकृत किया गया है ना, सब एक तरह से कंप्यूटराइज कर दिया गया है। राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण NIC की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है, ये चीज़ इंपोर्टेंट याद रखना कि किसके द्वारा, NIC के द्वारा किया जा रहा है। अब बात आती है राजस्व न्यायालय के अधीन मुख्य विषय क्या है, क्या करता है राजस्व न्यायालय, बार बार चर्चा में है सर, इस चीज़ को हमें याद करना है क्या कि सर जो दाखिल खारिज होते हैं ना, कौन किसको बेचा, किसको खरीदा, ये सब इसी में आ जाएगा। जमीन पर मालिकाना हक, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे, ठीक है ना, ये कौन करेगा, राजस्व न्यायालय में ही तो जाएंगे हम लोग। ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों की बेदखली, ये सब कौन करेगा, राजस्व न्यायालय। अब ये विकल्प चार बनेंगे, पूछेगा कि इन में से कौन सा राजस्व न्यायालय का कार्य नहीं है, राजस्व न्यायालय से संबंधित नहीं है, तो हमें ये पूरे पॉइंट पढ़ लेने हैं, बस बात खत्म हो जाएगी, है ना, वो हम लोग आराम से टिक लगा लेंगे। अब आती है सर ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होती है, तो किसी भी गाँव में ऐसे लोग जो सिर्फ जो मतदान देते हों, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक गांव में 5 लोग हैं, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, लेकिन उनमें से 5 में से सिर्फ एक मम्मी पापा और उसका एक बच्चा जो है वो 18 साल का है और उसका वोटर बना हुआ है, और 2 बच्चों के नहीं बने, तो इसमें मतदानों की संख्या कितनी हो गई, 3, तो ये ग्राम सभा कहलाएगी। तो ग्राम सभा का मतलब क्या हुआ कि किसी गाँव में स्थित वो लोग जो वोट दे सकते हैं या जिन जिनका नाम मतदाता लिस्ट में शामिल होता है, उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से ग्राम सभा के लिए सही कथन है, तो गांव के सभी लोग या गांव की कुल जनसंख्या, इस तरह से। तो आपको याद रखना ग्राम सभा क्या हुई कि गांव में स्थित वो लोग जो जिनका नाम मतदाता लिस्ट में शामिल होता है उसे ग्राम सभा कहते हैं। मेड़बंदी, मेड़बंदी पैमाइश, ये सब किस में आता है, इसी में आता है। बंटवारा संबंधी वाद विवाद, ये भी किस में आता है, इसी में आता है। भूमि की नीलामी से संबंधित मामले इसी में आते हैं, ये चीज़ हमें आज देखनी थी। तो हमारा टॉपिक आज यहीं पे फिनिश होता है, और आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा, और अगर आप कुछ भी डाउट हुआ करें तो आप तुरंत कमेंट्स डाल दिया करें, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। और अगर इस चीज़ की PDF चाहिए है तो आप एक कॉन्टेक्ट नंबर है या टेलीग्राम है जो आप वरदायनी अकेडमी के अकेडमी बस लिख दीजिए और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए तो आपको मिलेगा, और उसमें आप ऐड हो जाना, उसी में आपको ये PDF मिल जाएगी, और ये आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।